Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Main Jameel Asghar, principal of Jinnah Public School Metroville side town, aapse mukhatib hoon. Jaisa ki aap ke ilm mein hai ke hukumat-e-Sindh ne corona virus ki wajah se Sindh ke tamam schools, colleges aur universities ko band kar diya hai aur ye students ka peak ka time hai aur इस टाइम पे इदारों का बंद होना, स्टूडेंट्स का तालीम से दूर हो जाना स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। हुकूमत से ने यकीनन जो है उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा किया है प्रोटेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए और स्टूडेंट्स को कोरोना वायरस से बचाने के लिए ये कदम उठाया है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हम स्टूडेंट्स के जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी एजुकेशन है, उसको हम कैसे कंटिन्यू रख सकें और स्टूडेंट्स को कैसे जो है एजुकेशन से कनेक्टेड रख सकें और ताकि उनका वक्त ज़ाया ना हो। बहसीयत प्रिंसिपल जिनाह पब्लिक स्कूल मेट्रोविल साइड टाउन, मैंने अपनी ज़िम्मेदारी को बड़ी शिद्दत से महसूस किया और बारहा इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स का वक्त ज़ाया ना हो और उनके इस वक्त को मैं कीमती बना सकूं। तो बिलाखर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि क्यों ना जिनाह पब्लिक स्कूल की इंतज़ामिया जो है ऑनलाइन टीचिंग का आगाज़ कर दे ताकि बच्चों का वक्त ज़ाया ना हो और बच्चे जो है ऑनलाइन टीचिंग से मुस्तफ़ीद हो सकें। इस मकसद के लिए जिनाह पब्लिक स्कूल की इंतज़ामिया ने जिनाह पब्लिक स्कूल मेट्रोविल के नाम से YouTube पर एक ऑफिशियल चैनल बनाया है। ये चैनल जो है किसी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया गया, सिर्फ आपके बच्चों के एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और आपके बच्चों के वक्त को कीमती बनाने के लिए बनाया गया है। लिहाजा इस चैनल पर जो है जिनाह पब्लिक स्कूल के बेहतरीन टीचर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जिनाह पब्लिक स्कूल ने कभी भी आपके बच्चों के एजुकेशनल स्टैंडर्ड पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया है और इंशाल्लाह ना कभी करेगी, तो इस चैनल पर भी जो है जिनाह पब्लिक स्कूल के बेहतरीन टीचर्स जो है वो आकर ऑनलाइन टीचिंग करेंगे, आपके बच्चों के एजुकेशनल मसाइल को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है अगर बच्चों को मैथ्स की कोई प्रॉब्लम है, मैथ्स में कोई प्रॉब्लम उन्हें पेश आती है तो सर निसार जो है ऑनलाइन टीचिंग करेंगे। फिज़िक्स में कोई बच्चों को अगर मसला दरपेश होता है तो सर आदिल जो है वो ऑनलाइन टीचिंग करेंगे। इंग्लिश के हवाले से अगर कोई मसला पेश होता है तो सर अफजाल जो है वो इस चैनल पर ऑनलाइन टीचिंग करेंगे। और इसके साथ साथ मैं ख़ुद पर्सनली इंग्लिश टेक्स्ट और इंग्लिश ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से आकर आपको लेक्चर दूंगा और इंशाल्लाह बेहतरीन अंदाज में आपको ग्रामर जो है मैं पूरी ग्रामर रिवाइज करवाऊंगा और तमाम प्रैक्टिकल्स भी, जब तक स्कूल बंद रहता है तमाम प्रैक्टिकल्स भी इस चैनल पर आपको करवाए जाएंगे। केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स भी करवाए जाएंगे, बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स भी करवाए जाएंगे और फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स भी करवाए जाएंगे। और वो प्रैक्टिकल्स भी जो है जिनाह पब्लिक स्कूल के बेस्ट टीचर्स, जिसमें बायोलॉजी में सर आमिर हैं, सर उमर हैं और सर लुकमान हैं, ये बायोलॉजी के तीन टीचर्स जो हैं मौजूद होंगे, ऑनलाइन आपको प्रैक्टिकल्स भी करवाएंगे और थ्योरी में थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको लेक्चर्स देंगे। इसी तरीके से फिजिक्स में सर आदिल मौजूद होंगे और मैथ्स के लिए सर निसार मौजूद होंगे, उर्दू और इस्लामियात के लिए जो है कारी इरशाद साहब मौजूद होंगे, इंग्लिश के हवाले से सर अफजाल और मैं खुद मौजूद होऊंगा। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस चैनल को ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को भी इसका पाबंद बनाएं कि वो इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होती है उसको ज़रूर देखें, बार बार देखें। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा। और ख़ास तौर पर मैं 9th और 10th के स्टूडेंट से ये कहूँगा कि वो अपने वक्त को किसी भी कीमत पर ज़ाया मत कीजिए प्लीज़।
गवर्नमेंट आपसे किसी भी लम्हे ऐलान कर सकती है कि आपके पेपर फलां डेट से स्टार्ट हो रहे हैं। लिहाजा 9th और 10th के बच्चे तो हरगिज़ भी अपना वक्त ज़ाया मत करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बार बार अपने टीचर से कनेक्टेड रहें, इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहें और अपने प्रॉब्लम्स को इस चैनल पर शेयर करें ताकि उनके एजुकेशनल मसाइल को हम हल कर सकें। और मैं ये सिर्फ ये चैनल पर 9th और 10th के लिए नहीं होगा बल्कि इंशाल्लाह क्लास किड से लेकर क्लास मैट्रिक तक बेहतरीन टीचर आपके पास दस्तयाब होंगे जो कि क्लास वाइज, टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज इस चैनल पर आकर लेक्चर देंगे जो आपके लिए इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद होंगे।